Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, आप में से काफ़ी बच्चे BCA करना चाह रहे होंगे 12th क्लास के बाद. 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कल आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट एंड बहुत अच्छे से कीजिएगा. आई होप पेपर भी एज एक्सपेक्टेड आए, अच्छा आए और आप उसको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करें. और उसके बाद आपके पास कुछ एग्ज़ाम्स और रह जाएंगे एंड आफ्टर सम टाइम यू वुड बी थिंकिंग ऑफ गिविंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम. थिंक तो खैर आप अभी कर चुके हैं, यू हैव फिल्ड द फॉर्म्स. IPU CET जो IP यूनिवर्सिटी से होता है उसकी फॉर्म्स की डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, तो अगर आपने नहीं फिल किया है आप अभी भी फिल कर सकते हैं. कुछ बच्चों ने CUET भी फिल किया होगा, एमिंग टू डू BCA और BTEC फ्रॉम दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़. सो इस सारी चीज़ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कम्प्लीट गाइड फॉर डूइंग BCA. सो BCA कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एंट्रेंस टेस्ट चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, मैथ्स चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, एवरीथिंग आई विल टेल यू, अलॉन्ग विथ करियर ऑप्शंस क्या है, कैसी जॉब मिल सकती है, कितने मार्क्स आने चाहिए, कैसे हम अभी से IT में अपने आप को अच्छा कर सकते हैं. आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट. लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर भी बताना चाहूँगी कि आपके कोई भी फ्रेंड्स हों, जूनियर्स हों, आप खुद अभी 12th में हो, आपके घर पे कोई भी अनअकैडमी से CBSE का गोल ज्वाइन करना चाहता है तो उन्हें बता दीजिए कि अभी के अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि आगे जाके अनअकैडमी के प्राइसेस इंक्रीज़ होने वाले हैं. आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, मैं वहाँ पे IP और CS पढ़ाती हूँ 11th और 12th क्लास को, राइट. तो अगर मुझसे लाइव पढ़ना है तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं और IP CS पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आपकी क्लासेस चाहिए, आपसे कैसे पढ़ें पर्सनली. तो बेटा आई डोंट टेक एनी पर्सनल क्लासेस, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी लाइव फ्रॉम मी दैट इज़ एज गुड एज पर्सनल क्लासेज ओनली ऑन अनअकैडमी. तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मेरा कोड ALCODERS यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर आप मेरी फ्री क्लासेज अनअकैडमी पे देखते हैं तो आपके पास कुछ क्रेडिट्स भी इकट्ठे हुए होंगे, उससे भी आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिल सकता है. सो दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. आपको अनअकैडमी ऐप खोलनी है या इवन आप वेबसाइट भी खोल सकते हैं. And you will search for Anjali Luthra and you will see this profile. यहाँ पे आपके पास follow का button आएगा, जैसे ये आ रहा है, इस पर आप click करेंगे ताकि आप मुझे follow करें और जब भी मैं live आऊँ आपके पास notifications आ जाएँ. फिर आपको courses को enroll करना पड़ता है. अब इसी में देखो, ये जो section है ना special classes का, ये free classes होती है. आपकी app में शायद वहाँ पर ऊपर free classes भी लिखा हुआ है, तो special classes या free classes जो लिखा है those are फ्री क्लासेस. उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है. इन्हीं क्लासेस के अंदर आप एक क्लास देखेंगे जो मैं ले देने वाली हूँ कल. सो कल 4 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास है, एक फ्री क्लास है, और उस फ्री क्लास के अंदर मैं आपको सब कुछ बताऊँगी अबाउट BCA. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके इसको एनरोल कर लेंगे. दिस इज़ मस्ट वॉच इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू BCA, CET हो, CUET हो या इवन प्राइवेट कॉलेज हो, क्योंकि जब हम BCA करने की बात करते हैं सो इस क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. दिस यू हैव टू एनरोल. एनरोल इसलिए करना है क्योंकि एनरोल करने से हम भूलते नहीं हैं, हमें नोटिफिकेशन आ जाती है कि क्लास शुरू होने वाली है, 15 मिनट पहले भी आ जाएगी और फिर जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, ताकि आप किसी भी वजह से उसे मिस ना कर सको, राइट. इस क्लास में मैं आपको क्या क्या बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी पहली बात तो BCA होता क्या है, ठीक है, व्हाट टू स्टडी, पढ़ोगे क्या इसके अंदर. मान लो आपने BCA ले लिया तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप BCA में क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है. सो व्हाट टू स्टडी इन BCA वी विल बी डूइंग, ठीक है. BCA करने के लिए ऑप्शंस क्या हैं. BCA हम प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं. अगर आप प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करते हो तो कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं चाहिए होता काफ़ियों में. सो मैनी ऑफ देम डोंट रिक्वायर एनी एंट्रेंस टेस्ट, आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन हो जाती है, ठीक है. अब उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर प्राइवेट कॉलेज ही बुरा हो, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं जिनकी प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती हैं. सो आई टेल यू अबाउट दैट. फिर आपके पास आ जाती है एंट्रेंस टेस्ट. एंट्रेंस टेस्ट भी देखो, अब एक तो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके लिए CUET है, सो CUET अलग है, CET अलग है, ठीक है. CUET में आपका जो सिलेबस रहेगा BCA के लिए, आप गोल डोमेन सेलेक्ट करोगे कंप्यूटर साइंस, चाहे आपके पास 12th में CS था या IP था,
आपको डोमेन कौन सा सिलेक्ट करना है, CS, उसमें आपको 11, 12 वाला सिलेबस पढ़ना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन यू आर एन IP स्टूडेंट और CS स्टूडेंट. देन ये जो है ये है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ये किनका होता है, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लेती है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लेती है, सो और स्टेट्स की यूनिवर्सिटी भी ले सकती हैं या नहीं ले सकती डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट. वो आप जहाँ पे एडमिशन सीख कर रहे हो आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा. सो ये जो CET है इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, ठीक है, वो सब आपको पता चलेगा कल की क्लास में. तो कल जो क्लास है 4 बजे, आई टेल यू एवरीथिंग कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, इसका एग्जैक्ट सिलेबस क्या है, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, आई टेल यू एवरीथिंग. इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप BCA कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि 3 साल का कोर्स करने के बाद, 3 साल जब आपकी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, व्हाट आर योर करियर ऑप्शंस. देखो बहुत लोग ऐसी वीडियोस डालते हैं ना कि BCA कर लिया तो करियर बर्बाद है, नेट पे मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, है ना, तुमने गलती कर दी, वो कर दी, ये कर दी. देखो वीडियो बनाना बहुत आसान होता है ना, कोई भी वीडियो बना सकता है किसी भी चीज़ पे, कहीं से भी डेटा उठा लिया बना दी. बट आई एम माई सेल्फ अ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैंने BCA करा है, आई एम यूनिवर्सिटी टॉपर, ठीक है. अब अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है और तुम BCA करने के बाद एक एवरेज जॉब कर रहे हो, तो उसमें गलती BCA की नहीं है, वो तो BTech के बाद भी यही होता है ना. अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मुश्किल से पास हो रहे हो और उसके बाद आप सोचते हो कि आपको MNC पे 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा, देन यू आर एक्सपेक्टिंग रॉन्ग, आप गलत ही एक्सपेक्ट कर रहे हो ना. आप अपना 100% दो, आप अगर बेस्ट हो तो आपको बेस्ट पैकेज भी मिलेगा, आप आगे जाकर बेस्ट अर्न भी करोगे, ठीक है. सो उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, हाउ टू ब्रिंग आउट बेस्ट फ्रॉम यू, आई विल बी हेल्पिंग यू थ्रू आउट, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिलती हैं. ऑन माय यूट्यूब चैनल आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर 11th 12th, आई एम टेकिंग क्लासेस फॉर BCA, आई विल ऑल्सो गाइड यू फॉर करियर टाइम टू टाइम वेन एवर इज रिक्वायर्ड. और लाइव क्लासेस का फ़ायदा यही है कि आप पूछ सकते हो, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हो, एंड इट इज़ लाइक मोर द एनवायरमेंट. वाई आई एम टेकिंग द लाइव ऑन अन अकेडमी, वाई नॉट ऑन यूट्यूब, ये भी काफ़ी बच्चे सोचते होंगे कि मैम लाइव लेनी है तो यहीं पे ले लो, पर बेटा जो इंटरफेस है ना, आप एक बार आके देखो बच्चे की तरफ से क्लास अटेंड करने का इंटरफेस, एजुकेटर की तरफ से पढ़ाने का इंटरफेस, दोनों ही बहुत डिफरेंट है एंड इट इज़ वेरी मच एंगेजिंग. तो आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कम्फर्टेबल और कितना अच्छा एनवायरमेंट है जहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी. सो अगर आप में करने की चाह है तो BCA करो या BTech करो, आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता. ये सिर्फ एक नाम की डिग्री है हमारे पास जो हमें ये कहती है कि हाँ भाई हमारी पढ़ाई कंप्यूटर्स में हुई हुई है, ठीक है. उसके अलावा आपको क्या आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सीखने की चाह के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने डिग्री कौन सी ली है. बट ऑब्वियसली एक पेपर है, प्रूफ है, डिग्री हमें लेना होता है. तो अगर आपको BCA लेना है तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे ले सकते हो, वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी. करियर ऑप्शंस क्या है, कितना एफर्ट डाल के क्या करियर ऑप्शंस है ना. एफर्ट नहीं डालना चाहते हो तो आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकते हो, 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाओ बैठे रहो. एफर्ट डालना चाहते हो करो प्रोग्रामिंग, अच्छे प्रोग्रामर बनो, 1-2 लाख रुपये महीने से शुरू करो. सो इट डिपेंड्स, आई वॉज अर्निंग मोर देन 1 लाख एट द एज ऑफ 24-25, ठीक है. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप में कितना दम है, आप में कितना कैलिबर है. सो इट्स ऑल अपॉन यू. डिग्री इज जस्ट अ हेल्पिंग हैंड, बट उस हेल्पिंग हैंड को कैसे लेके आना है, कैसे BCA के लिए जाना है, दैट वी विल बी डूइंग इन टुमारोज क्लास विच विल बी देयर एट 4 PM लाइव. आप हो सके तो मुझे लाइव अटेंड कीजिए, इनकेस आप मुझे लाइव अटेंड नहीं कर पाते हो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. उसमें जो भी कुछ मैं बताऊंगी उस PDF को आप बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो. सो दैट इंफॉर्मेशन विल स्टे विद यू. सो यही बताना था आपको इसमें. आई सी यू टुमारो एट 4 PM इन द क्लास, एंड उसके बाद पूरी तैयारी भी मैं कराऊंगी. सिर्फ ये नहीं है कि बताऊंगी, मैं आपको CUET की तैयारी भी कराऊंगी, मैं आपको CET की तैयारी भी कराऊंगी. कैसे करनी है वो आपको कल पता चलेगा. सो आई सी यू टुमारो इन द क्लास, एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, कोई कुछ भी कहे, है ना. सो अगर आप कर सकना चाहते हो तो आप करोगे. बाय फॉर नाउ, टेक केयर ऑल ऑफ यू.